ये है कि मैंने मेरा सोलो ट्रैवल, जो सोलो ट्रैवल मैंने किया वो मैंने कैसे किया, मतलब मेरे को वो एक्सप्लेन करने का, मेरे को जो चैलेंजेस मैंने फेस किए। देखिए लेक्चर चालू है इधर पे, फुल स्कैम चालू भाई। ये मेरे को ऐसा डर लगता है ना कभी कभी, मतलब ऐसा लगता है कभी कैमरा वैमरा चालू हो गया। हाँ, पर मेरे को वो बताने का है कि मैंने मेरा सब भाइयों और बहनों गुड मॉर्निंग, मेरा दिमाग अभी तक वो ये नहीं कर पा रहा है कि हाँ तू उदयपुर जाके आ चुका है, मतलब तेरा ट्रिप ख़त्म हो चुका है अभी तक, मैं मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। बट हाँ, हो चुका है अपना पहला ट्रिप, मतलब सोचा था मैंने एक बार कि हाँ भाई मैं अकेले उदयपुर जाऊँगा, और मैंने सीरीज को इतना अब्रप्टली तो एंड नहीं किया, बट मैंने एकदम सस्पेंस में एंड किया, कैसे फुल गाना बजते बजते दी एंड, क्यों मेरे को है ना मतलब एकदम सीरीज वीरीज देखते थे, देखो कैसे सस्पेंस पे एंड हो जाता है, वैसा मेरे को एंड करने का था। मैं ऐसा बोल सकता था आलसी उदय आलसी हंसते रहो मुस्कुराते रहो ठिशुम ठिशुम कर सकता था, बट मेरे को नहीं करने का था, मेरे को वो मेरा सपना पूरा करने का था एक सीरीज बनाने का, क्योंकि मैं इतनी सारी सीरीज देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगा था यार काश मेरा भी एक सपना था कि मेरी भी एक सीरीज हो, तो एक साथ में अपन ने दो तीन जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। एक तीर से अपन ने दो निशाने मारे, जो कि था एक सीरीज का और एक था अपना ट्रिप, तो सीरीज का सपना भी पूरा हुआ, ट्रिप का सपना भी पूरा हुआ, बट अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये हमारा लैपटॉप है, ये हम है, और यहाँ पे हमारा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। तो क्या करूं ना, हाँ। so, आज से 15 फरवरी से महाविद्यालय चालू होने वाले थे, बट अभी तक कुछ पता वता नहीं है, मतलब सब सुनने में आया था कि महाविद्यालय चालू होने वाले हैं, बट अभी पता नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चालू हो चुकी है, काम लेक्चर जो कि हम ऐसे चालू करके छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ मेरी टीचर लोग मेरे लेक्चर व्लॉग्स नहीं देखते। अच्छा वो मेरे को ये बात अच्छी लगती है कि अच्छा वो मैं फेमस नहीं होने, तो मैं कितनी सारी चीज़ों में एक्सपोज हो गया रहता था, समझ रहे हो, तो अच्छा है, मतलब अभी तुम लोग गया है, मतलब अभी सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। चलो अभी हम जाते हैं, भाजी तरकारी लेके आते हैं, मतलब ऐसा भाजी वाजी लेके आने का, सामान वामान लेके आने का, मतलब ऐसा खाना पीने को कैसा खाएंगे ऐसी, मतलब कोई भाजी वाजी टोस्ट वोस्ट, और हम एक नई चीज़ चालू कर रहे हैं, तो अभी मैं बहुत सारी, मेरे को ये ना मेरी जॉब का मेरे को एक क्या चीज़ अच्छी लगती है बताया कि मैं ना, मतलब मैं ना वो जॉब में ना मैं कभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन जा सकता हूँ, कभी भी मैं उसको ये कर सकता हूँ, तो मेरे को वो अच्छा लगता है। मेरे को डेस्क जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो मतलब मैं बैठ के मतलब 8 घंटे बैठ के एक जगह पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को चाहिए मेरा माइंड खुला रहे, मैं घूमते रहो यहाँ वहाँ और बहुत सारी चीज़ें देखते रहो, तो हाँ ऐसा कुछ है। चलो अभी फटाफट कुछ लेके आते, सब सामान वामान लेके आते। सबसे बाहरी तो अंडे का भाव है, या उसके बाजू की दुकान में 52 है और इधर पे 65 है, मतलब बहुत हार्ड है अंडे का भाव ऐसा ऊपर नीचे ना, और एक एक जगह पे तो 80 रुपये है। इधर आगे से लगता है सब खरीद लेने का, ये बहुत सही दिख रहा है यार, पूछते अंकल को एक क्या है। ये क्या है, ये येल्लो वाला नान खटा, ये मीठा है बहुत। गुड क्वेश्चन, You are a good question. मस्का बटर। सो यप, तुम्हारा लड़का करने वाला है एम्ब्रॉयडरी, टर्की सिस्टर को देख के मेरे को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए अभी अपन भी करेंगे। अंकल एम्ब्रॉयडरी करने के लिए कपड़ा दिखाओ ना, वाइट कलर। सो यप, गेम हो गया है अपने को, सब कुछ मिल चुका है अपना, ये रहा कपड़ा सुई और धागा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं वो अंडे जो लिया वो अंडे कैसे लेके जाऊँ। तो लोगों की ज़िंदगियों में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, मेरी ज़िंदगी में चैलेंज था, ऐसे चैलेंज होते हैं कि मेरे को 30 अंडे बराबर से लेके आने, अगर एक भी ज़रा भी ऊपर नीचे ऐसा मैं पकड़ के लाया हुआ एक हाथ से चला चला के, अगर एक भी साला ऊपर नीचे होता, अभी भी हो सकता है, अभी भी कहीं टच करके हो सकता है, कभी थैली फट सकती है, एनी पॉसिबिलिटीज़। आई कैन नॉट, पहले मैं अंडे दे देता हूँ, उसके बाद फिर जो देना है वो दूंगा भाई साहब। इतना ये करूँ ना, ये मोड़ है जब तक। हाँ अल्लाह क्या, अच्छा काट सकते हैं? हाँ। मैं डर गया, मैं फाड़ दी। ऐसा काटने हो जाता, ऐसा तू फाड़ेगा तो ऐसा फाड़, और अगर अभी ऐसा फाड़ेगा ना ऐसे सीधा के सीधा हो जाएगा। तो इसको भी तोड़ दो ना बीच में से, मतलब दो हो जाएगा ना इसके ऊपर। गिलाफ भी निकालेगा ना तो भी बहुत अच्छा। गिलाफ हाँ, मेरा ख्याल है गिलाफ ही शुरू कर, पहले आने तो देते, देखो अच्छी जब बेचती है। नहीं नहीं पर हाँ मतलब आ जाएगा वो आ जाएगा।
नहीं पहले मैं कुछ थोड़ा सा एकदम मेरे टाइप का निकालूंगा, फिर उसके बाद मेरे को बहुत सारा बनाने का है अभी, एकदम बहुत सारा बनाने का है। और फिर उसको फटाफट ये कर लेना, अपलोड कर, टाइट करना चाहिए ना उसको, एकदम लूज नहीं होता ना बाद में, टाइट किया तो फिर लूज नहीं, फिर थोड़ा सा ये है सबसे मुश्किल पड़ाव। फिर आज जाएगा नहीं तो उसके लिए क्या वो तेरा देखूंगा शाम में जाऊंगा। अच्छा कौन से टाके से निकालेगा क्या मतलब? हाँ वो एक स्टिच है मैंने देखा था, अरे क्या नाम था उसका, ऐसा आगे पीछे वाली स्टिच है मैंने देखा, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट हाँ आती 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 है, देखा हूँ मैंने, सब देख के रखा हूँ। स्मार्ट गाय क्या दिमाग है, दिमाग दिमाग की बात है। अभी देखो ये ऐसा लेने का, ये है हमारी फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी का कलर। इतना उसका बन गया था ये इतना ही ले, और इतना मोटा धागा ले ले बाबा। अरे फिर मोटा सही पड़ रहा था, लेकिन तू ऐसा कैसा क्या किसमें घुसा घुसा दे निकलने ही नहीं मांगता है मसला। काट मैं दूसरा करता हूँ। हमारी पहली एम्ब्रॉयडरी ये रही, ये मैं पहले यहाँ बना रहा था, उसके बाद फिर मैंने ये बनाया। तो ये किसको देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये इधर से अभी ऐसा लव लिखा हूँ, फिर इधर से ऐसा हार्ट जाएगा, इधर से ऐसा बनेगा, इधर से ऐसा और ऐसा। एकदम तोड़ वर्कआउट हुआ है, लेग तो बहुत गंदा वाला मारा हूँ, और एक मतलब 5-6 दिन के बाद लेग मारा हूँ ना, तो लेग की पूरी लेग पीस हो गया है, तो बहुत गंदा वाला वर्कआउट हुआ है। चलो अभी घर पे जाके दबा के चिकन खाने का। ए ब्लॉग देखा क्या उदयपुर का, उदयपुर का ब्लॉग देखा क्या, ब्लॉग देखा उदयपुर का, कैसे सब्सक्राइब, मेरे जैसी बॉडी बनाने के ना तो व्लॉग देखा कर मेरे। अबे साले हाँ तो अच्छी मेरे जैसी बॉडी बनेगी, बनाने की ही नहीं, नहीं। तो ये है हमारा पोस्ट वर्कआउट लजीज चिकन, ये जो खाने से करके देखो तुम लोग के मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा। हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो यार भाइयों और उनकी बहनों, हम यही फ्रेम था ना जहाँ पे मैं उदयपुर के पैकिंग कर रहा था। हाँ तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं नोट करके बताऊँ कि मैंने क्या सबसे ज़्यादा मतलब सोलो ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो क्या मैंने ये किया, वो था ये माँ के हाथ का खाना। मतलब भाई ये मतलब जब भी मैं मतलब तुम लोगों जब देखो जब भी मैं व्लॉग बना के आता था उसके बाद फिर मैं जब घर पे हॉस्टल में आता था सबसे पहले मतलब चलो रस्ते रस्ते पे तो कुछ खा लिया बट एक मील चाहिए रहती थी मेरे को, तो मैं सोचता था क्या खाऊं, तो वो बड़ा बड़ा मेरा टास्क था। और उधर पे ना बहुत सारे जो लोकल ऐसे ये थे ना सब वेज ही थे, तो वो मेरे को एक इशू आ रहा था क्योंकि देखो यार मेरे को उतना वेज खाने जमता नहीं, पनीर वनीर मैं नहीं खा सकता हर टाइम, मेरे को थोड़ा तो नॉनवेज चाहिए रहता है, एक बड़ी मील जब मैं खाऊंगा तो मेरे को नॉनवेज लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को नॉनवेज ही चाहिए, बट अभी अभी बाहर आए तो मतलब थोड़ा सा। और बाकी हॉस्टल, और एक बात बताऊंगा कि हॉस्टल वॉस्टल का खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं बोलूँगा अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, तो वही तो फिर मैं सोच रहा था सबवे वबे मंगा के खा लूँ, बट हर टाइम सबवे से पेट वेट नहीं भरता है, तो एक टाइम मैंने सबवे मंगा के खा लिया। तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्या कर रहा है अभी तो, ये बेचारा एकदम शान शान बैठा है, जोया नहीं है ना, चल सो जा। हाँ तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम लोग फेस करोगे
सोलो ट्रैवलिंग में, ये मैंने फेस किया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर मैं उदयपुर की ट्रैवलिंग की बात बताऊँ तो ट्रैवलिंग में उदयपुर में तुम लोग स्कूटी से भी जा सकते हो, बट स्कूटी से कैसा सीन है पता है, मतलब मेरे को ना हर चीज़ देखनी की, मतलब जब मैं जाता हूँ ना कोई नई जगह पे जाता हूँ, तो अभी देखो मैं वहाँ पे चिल करने गया था मतलब, बट वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने गया था, मेरे को देखने का था कि दूसरी सिटी कैसी होती है, दूसरा कल्चर कैसा होता है, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मेरे को कैसा लगेगा, तो वो मेरे को एक्सपीरियंस करने का था। और वो मैंने भाई 3 दिन में जितना हो सकता था मैंने उतना एक्सपीरियंस किया, और बस एकदम प्योर राजस्थानी वो नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा शिल्पग्राम में एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो कैसे सीन था, वो जो सीन है ना वो पूरा जयपुर और वो साइड में जोधपुर साइड में, तो वो साइड में पूरा राजस्थानी लोग एकदम, वो मेरे को गाँव में जाने का राजस्थानी, तो वैसा मेरे को एक्सपीरियंस करने का था, तो वो नहीं था वहाँ पे, बट मतलब जितना मैं कर सकता था ना उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर पूरा टूरिस्ट टाइप बनाया हुआ है, तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। हाँ, और स्कूटी का वही सीन है कि देखो यहाँ पे मैं स्कूटी चलाते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके स्कूटी चलाता रहो क्या मतलब होता था, और अगर स्कूटी चलाते रहे तो आराम से देखो 300 रुपीज़ की स्कूटी मिलती है वहाँ पे, और फिर पेट्रोल अपने इसका डालने का, तो आराम से मतलब 2000 रुपये, तो 2-1.5 हज़ार रुपये स्कूटी का ही हो जाता था, तो इसलिए स्कूटी वैसे भी लगे मैं चल लेता हूँ, मैं कितना ही लंबा चला लूँ, मैं यहाँ से अमेरिका भी चल लूँगा। चल अगर तुम लोग सोलो ट्रैवलिंग करोगे तो सोलो ट्रैवल अगर उदयपुर में करोगे, अभी तक तो उदयपुर ही है तो उसका ही मैं तुम लोग को ज्ञान दे सकता हूँ, तो हाँ मेरे ख्याल से तुम लोग चल के भी आराम से पार कर सकते हो। हाँ, शिल्प ग्राम जो था वो 5 किलोमीटर दूर था, तो मतलब जाने को 5 किलोमीटर आने को 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में चला था, तो मतलब मैं अच्छा खासा चला वहाँ पे, मतलब पैर वैर दुखे थे मेरे, बट मैं अच्छा खासा चला था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि भाई एक शॉट है और ये शॉट मेरे को गंवाने का नहीं है, तो बाद में कभी आओ ना आओ, बस अभी हो गया है तो बस मेरे को पूरा मेरा 100% देने का, मेरे को पूरा एक्सप्लोर करने का, मेरे को पूरा देखने का है जो भी मैंने सोच के आया। तो ये था मेरा कुछ दिमाग, मेरा मैं ऐसा सोच रहा था, बाकी अभी आपके ऊपर है कि आप थक जाओ, आपको जो जाओ तो आप देख लो। अभी अभी खाना खा लेते भाई, खाना हाथ भी नहीं लगाया मैंने, तो वर्कआउट करने के बाद फटाक से खाना खा लेने का रहता है, तो इसलिए खाने तो गरीब आदमी। तो यार अभी मैं मेरी एम्ब्रॉयडरी बनाऊंगा, फालतू का व्लॉग खींचूंगा नहीं, सो यस, तब तक लाल सी यू, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।